ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की हौसला अफजाई की जाएगी और भ्रष्टाचार और लोगों के काम ना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है गुरदासपुर के विधायक वरिंदर मीत सिंह पहाड़ा का, जो नगर कौंसिल गुरदासपुर पहुंचे और नगर कौंसिल के अधिकारियों के साथ नगर कौंसिल गुरदासपुर के मंदे हालातों को लेकर मीटिंग भी की। अगर नगर कौंसिल गुरदासपुर की बात करें तो नगर कौंसिल पर बीते 10 सालों के दौरान 16 करोड़ का कर्जा है, जिसमें से बिजली विभाग का तकरीबन 13 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिसके चलते बिजली विभाग ने शहर की सभी स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काट दिए हैं, जिसके चलते गुरदासपुर शहर रात के अंधेरे में रहने को मजबूर है। वहीं विधायक ने कहा कि कौंसिल के इन हालातों को लेकर मैंने नगर कौंसिल के अधिकारियों से बीते 10 सालों का रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से बिजली का बिल अदा नहीं किया गया। नगर काउंसिल को कितनी कमाई होती है और कितना खर्चा है, विधायक ने कहा, मैंने अधिकारियों को उस समय का टाइम दिया है कि पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने पेश करें। इस मौके विधायक ने नगर काउंसिल में हुए स्ट्रीट लाइट्स घपले को उजागर किया और इस हमले में संबंधित अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज़ के लिए रशपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं आज तो कोई तकरीबन बन तो थोड़े दिनों बाद ही मीटिंग ली सी और शहर वासियों की मेरे गुरदासपुर हल्के की बड़ी वड्डी एक मुश्किल च आप कि 13 करोड़ 75 लाख 81 हज़ार रुपया इलैक्ट्रिसिटी बिल जिहड़ा स्ट्रीट लाइटां दा वो पेंडिंग है, लगभग 10 साल तो कोई पेमेंट नहीं की गई होगी। पर बड़ी हैरानीजनक गल है कि 10 साल लगातार इतों के नुमाइंदे ने एक बारी भी एफर्ट नहीं किया कि आप पेमेंट जी करवाईए। हुण 3 महीने तो लगातार जिहड़े आ स्ट्रीट लाइटां दा एक कनैक्शन कट्टे हुए आ, पूरा शहर जिहड़ा मेरा उह हनेरे च बैठा। सो मैं इहनां नूं डायरैक्शन दित्ती सी कि मैनूं जिन्नियां कमेटी दीआं लाइबिलिटीज़ ने, सोर्स ऑफ इनकम किन्नी कलैक्शन आ रही है, किन्नी कमेटी नूं आ रही है, किन्नी जिहड़ी आ जेबां च जा रही है, मैनूं उहदी डिटेल चाहीदी है।